और रूस से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जहां व्लादिमीर पुतिन को जल्दी बंकर में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि क्रेमलिन में तेजी से अफसोस फैल रहा है और ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि न्यू ईयर तक पुतिन बंकर में ही रहेंगे। रूस पर मंडरा रही नई आफत, पुतिन होने वाले हैं गायब। पुतिन का प्लान न्यू ईयर। रूस ने एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में यूक्रेन के ऊपर किया और जब जब पुतिन का बारूदी तहखाना खाली होने लगा तो अपने दोस्तों से तबाही का सामान मंगवाकर यूक्रेन को तहलाते रहे। पूरी दुनिया नए साल की शुरुआत में शांति की उम्मीद जगाए बैठी थी लेकिन पुतिन ने अपने इरादों से साफ कर दिया कि वो युद्ध का निर्णायक रुख तय किए बिना अपने तोपों को शांति का आदेश नहीं देने वाले। इस बीच एक खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है कि पुतिन जल्द ही गायब होने वाले हैं क्योंकि अब रूस के आसमान में एक ऐसा खौफ तैरने लगा है जिसकी वजह से पुतिन खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बंकर में छिपने का प्लान बना रहे हैं। क्रेमलिन पर गिरेगा फ्लू बम। नए साल से पहले पुतिन क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई के लिए रूस की जनता को संबोधित करने का प्लान बना रहे थे। संसद के जरिए वो जंग के मैदान में रूस की ताकत के बारे में रूस की जनता को बताने वाले थे लेकिन इसी बीच एक खबर ने रूस के अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया जिसके बाद तय किया गया कि पुतिन की सुरक्षा को लेकर उनको एक बंकर में भेजा जाएगा और न्यू ईयर तक उसी बंकर में रहकर पुतिन युद्ध की कमान संभालते रहेंगे। रूस से सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन में फ्लू का खतरा बढ़ा है। यही नहीं पुतिन के कई अधिकारी भी इस फ्लू की चपेट में आ चुके हैं और तेज रफ्तार से ये फ्लू बढ़ता जा रहा है। ये खबर सामने आने के बाद पुतिन के स्वास्थ्य को देखते हुए उनको बंकर में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और बताया जा रहा है कि पुतिन न्यू ईयर तक उसी बंकर में रहेंगे। इसके लिए पुतिन अपने ही घर में बने एक बंकर नुमा कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं जिससे जब उनको बंकर में शिफ्ट किया जाए तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ न्यू ईयर तक होने वाले पुतिन के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की मिसाइल से ज्यादा खतरा इस वक्त फ्लू से पुतिन को है जिसने पुतिन के न्यू ईयर प्लान पर पानी फेर दिया है।